अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे अध्यक्ष डॉक्टर नरेंद्र दाभोळकर यांच्या हत्येप्रकरणी शरद कळसकरला पुण्यातील न्यायालयाने 10 दिवसांची सीबीआय कोठडी सुनावली आहे. कळसकर हा राज्याच्या दहशतवाद विरोधी पथकाच्या ताब्यात होता. एटीएसने 10 ऑगस्ट रोजी नालासोपारा येथून अटक केली होती. शस्त्र स्फोटकांच्या साठ्याप्रकरणी ही कारवाई करण्यात आली आहे. सीबीआयचे वकील विनय कुमार ढाकणे यांनी कोर्टात सांगितले, कळसकरने दाभोळकरांवर 2 गोळ्या झाडल्या. तो शस्त्र हाताळण्यात पारंगत असून दाभोळकर प्रकरणातील तो दुसरा मारेकरी आहे. सचिन अंदुरेसोबत तो देखील हत्येत सहभागी होता. या संपूर्ण घटनेचा तपास करायचा असून अमित दिगवेकर, राजेश बांगेरा आणि शरद कळसकर यांना समोरासमोर ठेवून चौकशी करायची असल्याने त्याला 14 दिवसांची सीबीआय कोठडी द्यावी असं त्यांनी सांगितलं. तर आरोपीचे वकील धर्मराज म्हणाले, आत्तापर्यंतच्या तपासात सीबीआयला शस्त्र आणि मोटारसायकल ताब्यात घेता आली नाही. सचिन अंदुरेच्या 14 दिवसांच्या कोठडी देखील सीबीआयला हत्यार आणि वाहन जप्त करता आले नाही. त्यामुळे शरद कळसकरला न्यायालयीन कोठडी देण्यात यावी अशी विनंती त्यांनी केली आहे. त्यावर न्यायाधीश एस ए सय्यद यांनी दोन्ही बाजूंच्या युक्तिवादानंतर 10 सप्टेंबर पर्यंत सीबीआय कोठडी सुनावली आहे. कल सीबीआयने शरद कळसकर का ताबा एटीएस से लिया और आज कोर्ट में प्रेजेंट किया. कोर्ट में जब उन्होंने प्रेजेंट किया तो उनका डिमांड था कि 14 डेज का पुलिस कस्टडी सीबीआई को दिया जाए ताकि वो दाभोळकर मर्डर केस को इन्वेस्टिगेट कर पाए. उनका कहना ये था कि शरद कळसकर है वो उसको फायर आर्म्स बनाने आते हैं. ये उनका एक जनरल अवरमेंट था और उनका ये कहना था कि हमको कॉन्स्पायरेसी अनर्थ करनी है. उनकी रिमांड एप्लीकेशन में कुछ भी स्पेसिफिक नहीं था और 14 डेज की पुलिस कस्टडी अगेंस्ट में अपने आर्गूमेंट ये थे कि सीबीआई के पास में दाभोळकर मर्डर केस की इन्वेस्टिगेशन जून 2014 से है. सितंबर 2016 में उन्होंने पहली चार्जशीट दाखिल करी डॉक्टर वीरेंद्र तावड़े के खिलाफ में. उस चार्जशीट में इन्वेस्टिगेशन करने के बाद में उन्होंने सब कुछ डिस्क्लोज किया है कि सीक्वेंस ऑफ इवेंट क्या था क्राइम का, कौन असेलेंट थे, असेलेंट को उन्होंने नेम किया है सारंग अकोलकर विनय पवार की तरह. ये सारा चीज़ चार्जशीट में उन्होंने नैरेट किया है. खाली अगर बचा है इन्वेस्टिगेशन के नाम पर तो जो वेपन वगैरह इस्तेमाल हुए हैं वो, बाइक वगैरह और जो हेलमेट वगैरह असेलेंट्स ने वियर कर रखे थे. इसके साथ में कनेक्टेड आर्गूमेंट तो 14 डेज की कस्टडी के बाद में भी उनके इनोसेंट होने के कारण उनसे बाइक या कोई भी इनक्रिमिनेटिंग मटेरियल रिकवर नहीं हुआ है सचिन अंदुरे से.